क्या कभी आपने हेलेन हेट्सल के बारे में सुना है? अगर नहीं तो उनकी स्टोरी आपके होश उड़ा देगी। हेलेन ने हजारों प्रतियोगिताएं जीतीं और वो अपने लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने में सफल रहीं जो वो चाहती थीं। उन्होंने किसी मंत्र या मैजिक का उपयोग नहीं किया। उन्हें जिस एकमात्र टूल की जरूरत थी वो उनका दिमाग था एंड उनकी विजुअलाइजेशन। हेलेन लॉटरी कॉन्टेस्ट की चैंपियन थी और वो इस बात का एक जीता जागता उदाहरण थी कि ह्यूमन थॉट्स और इंटेंशंस कितने शक्तिशाली होते हैं। उन्होंने जिस भी कंपटीशन में पार्ट लिया उसे वो हमेशा जीती। हजारों छोटी जीत ही नहीं थी बल्कि यूरोप ट्रिप, कार्स, यहां तक कि टेक्सस में एक घर भी जीता। ये एक ऐसी महिला की अमेजिंग लेकिन सच्ची कहानी है जिसने ह्यूमन माइंड के अलावा बिना किसी अदर टूल का इस्तेमाल करे आपके और मेरे जैसे शुरुआत की। और ये उनका विजुअलाइजेशन और फर्म बिलीव ही था जिसने उन्हें 5,000 अमेजिंग अवार्ड्स एंड लॉटरीज अर्जित करके दिया। एंड लेट मी टेल यू, यदि वो ऐसा कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। हेलेन ने अपने SPEC फॉर्मूले एंड विजुअलाइजेशन के आधार पर एक इंटरेस्टिंग टेक्निक तैयार की जिसे उन्होंने विशक्राफ्ट नाम दिया। सेलेक्ट इट, प्रोजेक्ट इट, एक्सपेक्ट इट एंड कलेक्ट इट। ये चार सिंपल स्टेप से अधिक कुछ भी नहीं है जिनका यदि पालन किया जाए तो आपको अपने जीवन में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने में मदद मिलेगी जो आप चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में ये अब तक का सबसे बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैंने जब पहली बार इस टेक्निक को इस्तेमाल किया था तो मुझे कुछ ही दिनों में रिजल्ट मिले थे। एंड बिलीव मी, आप भी इसको इस्तेमाल करके अपनी डिजायर को सच बना सकते हैं। बट ये सब कैसे शुरू हुआ? आखिर कैसे हेलेन ने अपनी जिंदगी में इतनी सारी लॉटरी और इतने सारे कॉम्पिटिशन जीत लिए? हेलेन अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि 1952 में प्रकाशित नॉर्मन विंसेंट की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को पढ़ने के बाद हेलेन ने ह्यूमन थॉट्स एंड विजुअलाइजेशन के महत्व पर रिसर्च करना शुरू किया। उस समय ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं थे जो आज हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल है, इसीलिए उन्हें अपने इंट्यूशन और विंसेंट नॉर्मन की बुक पर ही निर्भर रहना पड़ा। उस किताब में तीन बातों का उल्लेख किया गया था जिसने हेलेन को खासा प्रभावित किया। पहला, आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, जानिए वो क्या है जो आप चाहते हैं। तीसरा, अपने आप को पहले से ही इसे प्राप्त करते हुए देखें। उसी दिन हेलेन ने कंप्लीट बुक पढ़ी और जब उन्होंने अपने पति से पूछा कि वो कौन सी चीज है जिसे वो रिसीव करना पसंद करेंगे तो उन्होंने बताया कि अगर एक मोटर बोट मिल जाए तो वो बहुत खुश होंगे। हेलेन तुरंत बेडरूम में लौट आई और मोटर बोट राइड पर अपने पति की विजुलाइजेशन करने लगी। उसने विजुलाइज किया कि वो बहुत खुश हैं, समुद्र की लहरों को ध्यान से सुन रहे हैं और बस उस चीज को एंजॉय किए जा रहे हैं। उनका मानना था कि आप अपने सभी सेंसेस का जितना अधिक उपयोग करेंगे आपको उतने ही बेटर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और अंदाजा लगाइए कि आगे क्या हुआ। हेलेन को पता चला कि उन्होंने रियलिटी में मोटर बोट जीत ली थी और वो तो बस हेलेन की मैनिफेस्टेशन जर्नी की शुरुआत थी। अच्छा, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये एक मेर कॉइंसिडेंस है, बट लेट मी टेल यू, कॉइंसिडेंस एक बार होते हैं या फिर दो बार होते हैं, पर बार बार हो ऐसा तो नामुमकिन है। हेलेन ने ऐसे ही बार बार उस चीज को विजुलाइज किया जिसको वो चाहती थी और तब तक किया जब तक वो जीत नहीं गई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 1,000 बार। विजुलाइजेशन ने हेलेन हेट्सल को लॉटरी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन। हेलेन का मानना था कि अपनी डिजायर और इंटेंशन के बारे में स्पष्ट होना बहुत महत्वपूर्ण था। किसी भी लॉटरी कॉम्पिटिशन में भाग लेने से पहले वो स्पष्ट रूप से खुद को स्पेसिफिक लॉटरी जीतने और अवार्ड रिसीव करने की विजुलाइज करती थी। वो उस उत्साह, खुशी और ग्रेटफुलनेस की विजुलाइजेशन करती थी जो जीतने पर उन्हें महसूस होगी। विजुलाइजेशन ने हेलेन को डिजायर्ड आउटकम पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। मींस लॉटरीज, खुद को लॉटरी जीतने वाली डिटेल्ड मेंटल इमेज बनाकर हेलेन अपना ध्यान केंद्रित करती थी और वो क्या हासिल करना चाहती थी इसकी क्लियर इमेज बनाए रखी। विजुलाइजेशन ने ही उन्हें लॉटरी जीतने में अपने विश्वास को मजबूत करने में मदद की और मन में एक सकारात्मक उम्मीद पैदा की। नंबर 2, इमोशनल अलाइनमेंट।
विजुलाइज करने के अलावा हेलन लॉटरी जीतने से जुड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स को पैदा करने पर भी ध्यान केंद्रित करती थी। वो अपने आप को ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस और उत्साह की भावना में डुबोए रखती थी और खुद को ऐसा फील करवाती थी कि जैसे वो पहले ही जीत चुकी हों। इस इमोशनल अलाइनमेंट ने उन्हें पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखने और फेवरेबल आउटकम्स को अट्रैक्ट करने में मदद की। नंबर 3, डाउट और नेगेटिविटी को खत्म करना। हेलन ने किसी भी डाउट और नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया जो उनकी लॉटरी जीतने की संभावनाओं को तोड़ सकता था। हेलन ने पॉजिटिव अफर्मेशन का अभ्यास किया, जैसे मैं एक सक्सेसफुल लॉटरी विनर हूं, या मैं भाग्यशाली हूं और एक बड़ी जीत की हकदार हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लगातार नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलकर हेलन ने जीतने की अपनी क्षमता में आत्मविश्वास और पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखा। नंबर 4, इंस्पायर्ड एक्शंस करना। जबकि विजुलाइजेशन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हेलन ने लॉटरी जीतने के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने के महत्व पर भी जोर दिया। वो उन लॉटरीज पर रिसर्च करती थी जिसमें वो भाग लेना चाहती थी। पास्ट विनिंग पैटर्न्स का एनालिसिस करने के बाद और अपने नंबर्स का चयन करते समय इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनाती थी। विजुलाइजेशन ने एक मोटिवेशन टूल के रूप में काम किया जो उन्हें इंस्पायर्ड एक्शन करने और अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहने के लिए मोटिवेट करता था। लॉटरी जीतने के अपने लक्ष्य के साथ हेलन के एक्शंस एंड डिसीजंस को अलाइन करने के लिए विजुलाइजेशन ने एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य किया। नियमित रूप से खुद को विनिंग टिकट पकड़े हुए या निकाले गए नंबरों को देखते हुए उन्होंने अपना ध्यान अपने गोल पर रखा और साथ ही साथ इसे प्राप्त करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स उठाने के लिए खुद को प्रेरित भी करती रहीं। हेलन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों में बहुत गहरा विश्वास रखती थी, जिसने उनके दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स किसी के पॉजिटिव एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट कर सकती है। अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन को अपने डिजायर्ड आउटकम के साथ जोड़कर हेलन विनिंग अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करती रहीं। बट ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अकेले विजुलाइजेशन लॉटरी जीतने की गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि लॉटरी मेनली चांस पर आधारित होती है। हालांकि विजुलाइजेशन फोकस बढ़ाने, पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने और लक्ष्यों के साथ एक्शन को अलाइन करने के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।